नमस्कार, जय माता दी। व्रत विधि विधान के एक और दिलचस्प और बेहतरीन एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं धीर कुमार और आज मैं आपको कथा सुनाने वाला हूं अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी की वो कथा जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपनी माता के मुख से, और दोस्तों वो उपलब्ध नहीं है ऑनलाइन, तो वो कथा मैं आपको सुनाने वाला हूं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएँ। इसलिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत पूजन है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जिनको संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए, और जिनके संतान है वो संतान की तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए और उनके अच्छे भाग्य के लिए ये व्रत रखती हैं। सनातन धर्म में हर हिंदू माता ये व्रत अपने बच्चों के लिए रखती हैं। मित्रों, अब इसके पीछे की कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और बहुएँ थी और एक उसकी बेटी थी। दीपावली से कुछ दिन पहले वो अपने घर के साफ सफाई का काम कर रहे थे, तो घर में जो लिपाई के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ी तो 7 बहुएं और जो साहूकार की बेटी थी वो जंगल चली गई मिट्टी को लाने के लिए, और जो खुरपी आदि है वो अपने साथ लेके चली गई। जंगल में जिस जगह वो खुदाई कर रही थी वहाँ सह माता की बांध थी, तो मिट्टी खोदते खोदते गलती से साहूकार की बेटी के हाथ से सह माता का एक जो बच्चा है वो मर गया। उसके मरते ही जो सह माता थे वो बहुत ज़्यादा दुखी होगी और क्रोध से भर गई। उसने कहा कि तूने मेरे बच्चे की हत्या की है, फलस्वरूप मैं तेरी कोख बांधूंगी। ये सुन के जो लड़की थी, जो साहूकार की बेटी थी, वो बहुत ज़्यादा डर गई। वो अपनी भाभियों के पास गई। उसने कहा कि देखो, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपनी कोख नहीं बंधवाना चाहती, आप कृपया करके आप में से कोई भी अपनी कोख बंधवा ले और मुझे इस जो झंझट से मुक्ति दिलाए। 7 भाभियों में से जो 6 भाभियाँ थीं उन्होंने मना कर दिया, पर जो 7वीं भाभी थी, जो सबसे छोटी भाभी थी, उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी जगह अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। वो सह माता के पास गई, उन्होंने कहा कि आप मेरी जो ननद है इसकी कोख मत बांधिए, आप मेरी कोख बांध लीजिए। इसके बाद वो सब अपने घर चली गई। समय बीतता गया और सबसे छोटी वाली जो बहू थी उसके जब भी कोई संतान होती थी वो होते ही मर जाती थी या मृत पैदा होती थी। इससे वो बहुत दुखी हुई और उसने एक पंडितायन से इसका उपाय पूछा। पंडिताइन ने छोटी बहू से कहा कि तेरी जो कोख है वो श्या माता ने बांध रखी है, और जब तक वो कोख वहाँ पर बंधी हुई है तब तक तेरे कोई संतान नहीं होगी। अगर तेरे को संतान चाहिए तो तेरे को श्या माता को प्रसन्न करना होगा, और श्या माता को प्रसन्न करने के लिए एक ही उपाय है कि जो सुरभि गाय है तू उसकी सेवा कर, क्योंकि जो श्या माता है वो सहेली है सुरभि गाय की, और उसके आग्रह पर हो सकता है वो तेरी कोख खोल दे। तो अगले दिन से साहूकार की छोटी बहू ने सुरभि गाय की सेवा शुरू कर दी। उनके जगने से पहले वो साफ सफाई कर आती थी, उनकी यहाँ पर सेवा आदि कर आती थी। सुरभि गाय ने देखा कि ये कौन है कि मेरे जागने से पहले ही मेरे आसपास की जो सेवा कर जाता है, साफ सफाई कर जाता है। तो एक दिन वो जल्दी जाकर उन्होंने देखा कि कौन है जो कि यहाँ की साफ सफाई करके जाता है। सुरभि गाय ने देखा कि साहूकार की जो सबसे छोटी बहू है वो आके साफ सफाई कर जाती है, तो सुरभि गाय ने उनको रोक लिया, उनसे कहा कि तू मेरी इतनी सेवा करती है, बोल तेरे को क्या चाहिए, तेरे मन में क्या है। तब साहूकार की छोटी बहू ने सुरभि माता से कहा कि सह माता जो है वो आपकी भाईली हैं, आपकी सहेली हैं, और उन्होंने मेरी कूख बांध रखी है, अगर आप उनसे आग्रह करेंगी तो वो मेरी कूख छोड़ देंगी और इससे जो है मेरे को संतान प्राप्ति हो सकती है। ये बातें सुनकर सुरभि माता ने साहूकार की छोटी बहू की सहायता करने का उसे वचन दिया और उसको लेकर सह माता के घर की तरफ निकल गई। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि गरुड़ पंखनी के एक बच्चे को एक सांप डसने की और उसे खाने की कोशिश कर रहा है, तो उसने अपनी जान पर खेल कर उस सांप से उस बच्चे की रक्षा की और सांप को मारकर उसे पेड़ के नीचे, पत्थर के नीचे दबा दिया। जब गरुड़ पंखनी वहाँ पर आई और उसने वहाँ पर खून बिखरा हुआ देखा तो उसे लगा कि साहूकार की छोटी बहू ने उसके बच्चे को मारने का प्रयास किया है, तो उस पर हमला करने लगी। साहूकार की छोटी बहू बोली कि मैंने एक तो तेरे बच्चे की रक्षा की है सांप से और तू ही मुझे मार रही है, और उसने पत्थर हटा के दिखाया कि देखो ये सांप है और ये आपके बच्चे को डसने की कोशिश कर रहा था, मैंने इसकी रक्षा की है। इस पर गरुड़ पंखनी प्रसन्न हो गई और सुरभि माता को और उस साहूकार की छोटी बहू को अपनी पीठ पर बिठाकर सह माता के घर पर छोड़ आई। सह माता के घर पर पहुंचने के बाद सुरभि माता ने सह माता से उनका हालचाल पूछा। सह माता ने कहा
कि वैसे तो मैं बहुत ठीक हूँ पर मुझे जुएं बहुत हो गई है, अगर कोई मेरी जुएं निकाल दे तो उसका बड़ा मुझ पर उपकार होगा। सुरभि माता ने कहा कि ये जो मेरे साथ आई है ना, ये तेरी जुएं निकाल देगी। छोटी बहू ने कुछ ही देर में सेम माता की सारी जुएं निकाल दी, जिससे सेम माता बहुत प्रसन्न हुई और उसने कहा कि छोटी बहू जो तेरे को मांगना है मांग ले, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे पे छोटी बहू ने कहा ऐसे नहीं, जब तक आप वचन नहीं दोगे तब तक मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। तब सेम माता ने कहा कि जो तू मांगेगी वो मैं तेरे को दूंगी, ऐसा मेरा वचन दे रही हूँ, और मैंने वचन से अगर मैं फिर जाऊँ तो धोबी कुंड की मैं कंकरी हो जाऊँ। तब छोटी बहू ने कहा कि आपने मेरी कूख बांध रखी है और आपसे मेरी प्रार्थना ये है कि आप कृपया करके मेरी कोख छोड़ दें ताकि मेरे संतान आदि हो, मेरे वंश जो है वो आगे बढ़ सके। सेम माता ने कहा तूने तो मुझे ठग लिया, वैसे तो मैं तेरी कोख छोड़ती नहीं पर अब छोड़नी पड़ेगी, जा मेरा आशीर्वाद है तू घर जा, तेरे को 7 बहुएं और 7 बेटे वहीं पे मिलेंगी, घर जाने के बाद 7 उज्जवन करना, 7 ओहोई मारना और 7 कढ़ाइयाँ करना और इससे जो है तेरा कल्याण होगा। वो घर गई, वो घर जाके उसने ये सारे कार्य किए। जब पूजन का दिन आया तो जेठानियों ने आपस में कहा कि जल्दी से चौका आदि कर लो, क्योंकि हर बार की तरह छोटी बहू रोना शुरू करने वाली है। बहुत देर तक जब रोने की आवाज़ नहीं आई तब उन्होंने अपने बच्चों को भेजा कि देख कराओ कि तुम्हारी चाची अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे वापस आए और उन्होंने बताया कि चाची तो वहाँ पर अहोई मार रही है, कढ़ाई चढ़ा रखी है, भोजन आदि बना रही है और उत्सव सा माहौल है। बच्चों से ये सारी बातें सुनने के बाद सारी जेठानियाँ छोटी बहू के पास गई और उसे पूछा कि तेरी तो कूख बंधी हुई थी, ये सब क्या है। तब छोटी बहू ने कहा कि तुमने तो अपनी कोख बनवाने से मना कर दिया था पर मैंने अपनी नंद की जगह अपनी कोख बनवा ली थी, पर श्याम माता की कृपा से और उनके आशीर्वाद से मेरी जो कोख है वो खुल गई है और मेरे यहाँ संतान आदि है। ऐसा सुनने के बाद उन सभी ने श्याम माता से प्रार्थना की कि जिस प्रकार आपने इस छोटी बहू की कोख खोली है, संसार की सभी स्त्रियों की कोख खोलना, सबको संतानवती बनाना और जिनके भी संतान है उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करना। मित्रों ये थी कथा अहोई अष्टमी की, जिसका श्रवण करने से और पठन करने से संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है और जिनके संतान है वो संतान दीर्घायु होती है और स्वस्थ रहती है। इस दिन खास तौर पे मिट्टी से जुड़ा हुआ काम नहीं करना चाहिए, खुदाई से जुड़ा हुआ काम जो है उसे परहेज करना चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा गया है। मित्रों ये कथा आपको कैसे लगी और इसके बारे में आपके विचार कैसे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो कथा मैंने आपको सुनाई है वो कहीं भी नेट पर अवेलेबल नहीं है इस विस्तार के रूप में, तो आप अपने विचार जरूर रखिएगा। और अगर आपको ये कथा पसंद आई है, का विस्तार पसंद आया, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा को सुने, इस ओरिजिनल कथा को सुने। मित्रों इसी के साथ मैं धीर कुमार आपसे अनुमति चाहूँगा, जल्दी ही मिलूँगा एक नए वीडियो में, नए व्रत के साथ, नए विधि के साथ, नए विधान के साथ। जय माता दी।